नमस्कार दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल ज्योतिषवाणी पर आपका स्वागत करती हूं। दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर दैनिक राशिफल, साप्ताहिक राशिफल और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर आधारित वीडियो अपलोड की जाती हैं। ज्योतिषवाणी का मुख्य उद्देश्य आपके दैनिक जीवन की समस्याओं का समाधान करना, भविष्य में घटने वाली घटनाओं की जानकारी देना व उन घटनाओं का समय ग्रह नक्षत्रों आदि के माध्यम से निश्चित करने में आपकी सहायता करना है। और ये तो हम सभी जानते हैं कि अपने जीवन और भाग्य के बारे में जानना हर व्यक्ति की इच्छा होती है। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी मेरे चैनल ज्योतिषवाणी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। राशिफल से तो आप सभी भली भांति परिचित हैं। दैनिक राशिफल और मासिक राशिफल के समान ही साप्ताहिक भविष्यफल भी राशिफल का एक प्रकार है, जिसमें राशि के आधार पर आपके पूरे सप्ताह की भविष्यवाणी की जाती है। दैनिक राशिफल के साथ साथ मनुष्य के जीवन में साप्ताहिक राशिफल का भी विशेष महत्व है। साप्ताहिक राशिफल के द्वारा आप ये जान सकते हैं कि आपके लिए ये सप्ताह शुभ है या नहीं। मार्च माह का तीसरा सप्ताह काफी खास हो सकता है। मार्च का ये सप्ताह पर शनि उदय के साथ आरंभ हो रहा है। साथ ही मीन राशि में बुधादित्य राजयोग के प्रभाव से यह सप्ताह करियर और कारोबार के मामले में बहुत ही शानदार परिणाम देने वाला होगा। इसके अलावा कुंभ राशि में बनी शुक्र मंगल की युति होली के त्योहार पर कन्याएं और मकर राशि के कारोबारियों की खूब कमाई करवाने वाली मानी जा रही है। लोगों की आय बढ़ेगी और करियर के मामले में भी शुभ समाचार प्राप्त होंगे। 18 मार्च से 24 मार्च 2024 का साप्ताहिक राशिफल आपके लिए क्या खास लेकर आया है, जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं मार्च के तीसरे सप्ताह में मेष राशि के जीवन में क्या कुछ होने वाला है। मेष राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह मिलाजुला रहने वाला है। सप्ताह के प्रारंभ में आपको न सिर्फ कार्य क्षेत्र बल्कि निजी कारणों के चलते अधिक भागदौड़ करनी पड़ सकती है। इस दौरान अचानक से भूमि भवन से जुड़े विवाद उभरेंगे, जिन्हें दूर करने के लिए आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर तक लगाने पड़ सकते हैं। इस दौरान छोटी छोटी चीजों को पाने के लिए अधिक संघर्ष करना पड़ सकता है। व्यापार से जुड़े लोगों को अपने कंपटीटर से कड़ा मुकाबला करना पड़ सकता है। कारोबार में मनचाही वृद्धि तथा लाभ कम होने से मन क्षुब्ध रहेगा। सप्ताह के मध्य में घरेलू चिंताएं मन पर हावी रहेंगी। इस दौरान स्वजनों का सहयोग और समर्थन न मिल पाने के कारण मन परेशान रहेगा। कुल मिलाकर इस सप्ताह गृहस्थ एवं पारिवारिक सुख में कमी देखने को मिलेगी। रिश्ते नाते की दृष्टि से आपको इस सप्ताह बहुत संभल कर चलना होगा। लोग आपकी बात का गलत मतलब निकाल सकते हैं। प्रेम संबंध में किसी तीसरे व्यक्ति के द्वारा दखलंदाजी अथवा गलतफहमी के चलते मनमुटाव हो सकता है। जीवन साथी के साथ मतभेद या तकरार हो सकती है। मेष राशि के जातकों को इस सप्ताह अपने संबंध के साथ अपनी सेहत का भी ख्याल रखने की आवश्यकता रहेगी। खान पान सही रखें, अन्यथा पाचन संबंधी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। डॉट खास उपाय, प्रतिदिन संकट मोचक श्री हनुमान जी की विधि विधान से पूजा एवं श्री सुंदरकांड का पाठ करें। शुभ अंक 8, शुभ रंग ग्रीन। अब जानते हैं मार्च के तीसरे सप्ताह में वृषभ राशि के जीवन में क्या कुछ होने वाला है। वृष राशि के जातक यदि इस सप्ताह महत्वपूर्ण मामलों में सूझबूझ के साथ फैसला लेते हुए अपने समय और ऊर्जा का सदुपयोग करते हैं तो उन्हें उनकी उम्मीद से कहीं ज्यादा सफलता मिल सकती है। तो वही लापरवाही करने या फिर एक गलत फैसला करने पर लाभ का प्रतिशत कम हो सकता है। सप्ताह की शुरुआत कुछ एक बड़े खर्चों के साथ होगी। इस दौरान आप सुख सुविधा से जुड़ी चीजों पर बड़ी राशि खर्च कर सकते हैं। आपको भूमि भवन वाहन आदि का सुख प्राप्त हो सकता है। सप्ताह के मध्य में आपको अचानक से करियर कारोबार के सिलसिले में लंबी या छोटी दूरी की यात्रा करनी पड़ सकती है। यात्रा के दौरान अपनी सेहत और सामान का खूब ख्याल रखें। साथ ही वाहन सावधानी के साथ चलाएं, अन्यथा चोट चपेट लगने की आशंका है। सप्ताह के पूर्वार्ध के मुकाबले उत्तरार्ध में आपको तमाम मामलों में अनुकूलता बनी रहेगी। इस दौरान आपके मानसिक भय में कमी होगी। आपके पुरुषार्थ और सौभाग्य दोनों में वृद्धि होगी। सुखद पहलू ये कि इसकी बदौलत आप मनचाही सफलता प्राप्त करने में कामयाब होंगे। व्यवसाय से जुड़े लोग इस दौरान कारोबार से जुड़ी कोई बड़ी डील कर सकते हैं। हालांकि ऐसा करते समय आपको अपने शुभचिंतकों की सलाह लेना उचित रहेगा। कामकाजी महिलाओं का समय अच्छा व्यतीत होगा। उनके कद पद और लाभ में वृद्धि होगी। घर बाहर दोनों जगह मान सम्मान बढ़ेगा। प्रेम संबंध में आपसी विश्वास बढ़ेगा। दाम्पत्य जीवन सुखमय बना रहेगा। उपाय, देवों के देव महादेव की विधि विधान से साधना एवं शिव चालीसा का पाठ करें। शुभ अंक 3, शुभ रंग ब्लैक। अब जानते हैं मार्च के तीसरे सप्ताह में मिथुन राशि के जीवन में क्या कुछ होने वाला है।
मिथुन राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह गुड लक लिए रहने वाला है। इस सप्ताह आप जिस भी क्षेत्र में पूरे मनोयोग से प्रयास करेंगे, आपको उस क्षेत्र में मनचाही सफलता और लाभ प्राप्त होगा। घर और बाहर दोनों जगह आपको स्वजनों का सहयोग और समर्थन मिलता हुआ नजर आएगा। सोचे हुए कार्य समय पर पूरे होने से आपके भीतर उत्साह उमंग में वृद्धि होगी। नौकरी पेशा लोगों के भीतर कार्यशीलता बढ़ेगी तो वही व्यवसाय से जुड़े लोगों को कारोबार में मनचाहा लाभ प्राप्त होगा। यदि आप विदेश से जुड़े कारोबार करते हैं या फिर वहां पर अपने करियर को बनाने के लिए प्रयासरत हैं, तो आपको इस सप्ताह विशेष सफलता प्राप्त हो सकती है। सप्ताह के मध्य में आपके आचरण व्यवहार में सात्विकता की कुछ वृद्धि होगी। इस दौरान आपका मन धार्मिक आध्यात्मिक कार्यों में खूब रमेगा। जीवन में इष्ट मित्र एवं परिजनों की तरफ मनचाहा सहयोग और समर्थन मिलने से मन प्रसन्न रहेगा। सप्ताह के उत्तरार्ध में सामाजिक पद प्रतिष्ठा मिलने के योग हैं। यदि आप नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, तो इस दौरान आपकी मनचाही स्थान पर तबादले अथवा पदोन्नति की कामना पूरी हो सकती है। इस दौरान बीते समय में किए गए परिश्रम का फल प्राप्त हो सकता है। प्रेम संबंध की दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए पूरी तरह से अनुकूल है। लव पार्टनर के साथ सुखद समय व्यतीत करने का अवसर मिलेगा। परिवार के संग पिकनिक पार्टी अथवा पर्यटन का अचानक प्रोग्राम बन सकता है। सेहत सामान्य रहेगी। खास उपाय, प्रतिदिन भगवान श्री विष्णु की पूजा में श्री विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। शुभ अंक 7, शुभ रंग ब्लू। अब जानते हैं मार्च के तीसरे सप्ताह में कर्क राशि के जीवन में क्या कुछ होने वाला है। कर्क राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह मिलाजुला रहने वाला है। इस सप्ताह आपको सुख दुख दोनों समान रूप से मिलेंगे। आपके जीवन की गाड़ी कभी तेजी से चलती हुई नजर आएगी तो कभी उसमें अनचाहा ब्रेक लग जाएगा। सप्ताह की शुरुआत में स्वजनों से मनचाहा सहयोग न मिल पाने और खराब सेहत आपकी चिंता का कारण बनेगी। इस दौरान पेट संबंधी दिक्कतें होने की आशंका है। ऐसे में अपनी दिनचर्या एवं खानपान सही रखें। व्यवसाय की दृष्टि से सप्ताह के मध्य का समय आपके लिए उत्तम रहने वाला है। इस दौरान स्वरोजगार करने वालों को विशेष लाभ की प्राप्ति संभव है। कारोबार के सिलसिले में की गई यात्रा से मनचाहा लाभ प्राप्त होगा। यदि आप लंबे समय से अपने कारोबार में वृद्धि की योजना बना रहे हैं, तो इस सप्ताह के मध्य में आपको उस दिशा में विशेष सफलता मिल सकती है। सप्ताह के उत्तरार्ध में करियर हो या फिर कारोबार, किसी बड़े निर्णय को लेते समय जल्दबाजी न करें। इस दौरान आपको अपने वरिष्ठ या शुभचिंतक से सलाह लेकर कार्य विशेष को करना उचित रहेगा। नौकरी पेशा लोगों को सप्ताह के उत्तरार्ध में अपने उच्च अधिकारियों से तालमेल बनाकर उचित रहेगा। इस दौरान निजी जीवन में भी स्वजनों के साथ बात व्यवहार सही रखने पर ही भलाई रहेगी। प्रेम प्रसंग में सोच समझकर कदम आगे बढ़ाएं और लव पार्टनर की भावनाओं की कद्र करें। स्वयं के साथ मां की सेहत आपकी चिंता का विषय बन सकती है। खास उपाय, प्रतिदिन पार्थ शिवलिंग की पूजा एवं रुद्राष्टकम का पाठ करें। डॉट शुभ अंक 3, शुभ रंग ग्रे। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकॉन। Subscribe now and press the bell icon. Subscribe now and press the bell icon. Subscribe now and press the bell icon. अब जानते हैं मार्च के तीसरे सप्ताह में सिंह राशि के जीवन में क्या कुछ होने वाला है। सिंह राशि के जातकों को इस सप्ताह उन लोगों से खूब सतर्क रहने की आवश्यकता है जो अक्सर रंग में भंग डालने का काम करते हैं। सप्ताह के पूर्वार्ध में आपकी स्वजनों के साथ गलतफहमियां पैदा हो सकती है। ऐसे में इस दौरान किसी के साथ बात व्यवहार करते समय खूब सावधानी रखें। नौकरी पेशा लोगों को इस सप्ताह अपने कार्य में किसी प्रकार की लापरवाही बरतने से बचना चाहिए, अन्यथा सीनियर के गुस्से का शिकार होना पड़ सकता है। यदि आप अपनी नौकरी में बदलाव की सोच रहे हैं, तो आपको इस संबंध में निर्णय सोच समझ कर लेना चाहिए। करियर या फिर कारोबार में किसी भी प्रकार का रिस्क लेने के लिए आपको उचित समय का इंतजार करना उचित रहेगा। जो लोग समाज सेवा या राजनीति से जुड़े हुए हैं, उनके लिए सप्ताह के उत्तरार्ध का समय थोड़ा चुनौती भरा रह सकता है। इस दौरान आस पड़ोस के लोगों से विवाद होने की आशंका है। ऐसे में आपको सामाजिक जीवन में पूर्ण सतर्कता रखने की जरूरत बनी रहेगी। इस दौरान आपके घरेलू खर्च में अचानक से वृद्धि हो सकती है। अचानक से घर की साज सज्जा या मरम्मत पर जेब से अधिक धन खर्च करना पड़ सकता है। सिंह राशि के जातकों को इस सप्ताह सट्टा लॉटरी आदि से दूरी बनाकर रखना चाहिए। रिश्ते नाते की दृष्टि से यह आपसी संबंधों में सप्ताह उतार चढ़ाव लिए रहने वाला है। इस सप्ताह किसी से अपेक्षा रखने पर उपेक्षा होने का भय बना रहेगा। आपसी रिश्तों को बेहतर बनाए रखने के लिए अहंकार करने से बचें। डॉट खास उपाय, प्रतिदिन प्रातः काल भगवान सूर्य को अग्रय दे और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें।
शुभ अंक 1, शुभ रंग डार्क ब्लू। अब जानते हैं मार्च के तीसरे सप्ताह में कन्या राशि के जीवन में क्या कुछ होने वाला है। कन्या राशि के जातकों को सप्ताह के पूर्वार्ध में सोचे हुए कार्यों को पूरा करने में कुछ एक मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन उत्तरार्ध में गुड लक का पूरा साथ मिलेगा। सप्ताह की शुरुआत में भूमि भवन से जुड़े विवाद को दूर करने के लिए अधिक भाग दौड़ करनी पड़ सकती है। इस दौरान आपकी मानसिक शांति भंग होगी और मन दूसरों के प्रति शंकालु बना रहेगा। सप्ताह के पूर्वार्ध में भले ही कामकाज में आने वाली मुश्किलों के चलते आपका मन खिन्न रहे, लेकिन उत्तरार्ध में स्वजनों एवं सौभाग्य का साथ मिलने पर आपको बड़ी सफलता मिल सकती है। इस दौरान आपकी आर्थिक उत्तरार्ध में स्थिति में सुधार होगा, व्यय भार घटेगा और आय के साधन बढ़ेंगे। नौरखी पेशा लोगों की आय के अतिरिक्त साधन बनेंगे, संचित धन में वृद्धि होगी। परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे लोगों को बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। यदि आपके निजी रिश्तों में कहीं कोई खटपट चल रही थी, किसी वरिष्ठ व्यक्ति की मदद से गलतफहमियां दूर होंगी। इष्ट मित्रों और स्वजनों का पूरा साथ और सहयोग मिलेगा। कन्या राशि के जातकों को इस सप्ताह पूर्व में किए कठिन परिश्रम का मीठा फल मिल सकता है। इस सप्ताह आपको अचानक कहीं से बड़ी धनराशि की प्राप्ति हो सकती है। कारोबार में विस्तार की कामना पूरी होगी, बाजार में आपकी धाक जमेगी, सत्ता सरकार की नजदीकियों का आप फायदा उठाने में कामयाब रहेंगे, प्रेम संबंध में प्रगाढ़ता आएगी, वैवाहिक जीवन सुखमय बना रहेगा। खास उपाय, प्रतिदिन तुलसी जी की सेवा करें तथा गणपति की पूजा में उनकी चालीसा का नित्य पाठ करें। शुभ अंक 5, शुभ रंग पिंक। अब जानते हैं मार्च के तीसरे सप्ताह में तुला राशि के जीवन में क्या कुछ होने वाला है। तुला राशि के जातकों को इस सप्ताह उन लोगों से उचित दूरी बनाए रखें जो सामने आपकी प्रशंसा और पीठ पीछे आपके लिए गड्ढा खादने का काम करते हैं। यदि आप नौकरी पेशा व्यक्ति हैं तो आपको अपना काम किसी दूसरे के भरोसे छोड़ने की बजाय स्वयं बेहतर तरीके से करने का प्रयास करना चाहिए। इस सप्ताह कई बार आप अपने काम को लेकर खुद को असंतुष्ट पाएंगे। आपका मन अपने पुराने काम को छोड़कर नए कार्यों में भाग्य आजमाने का कर सकता है, लेकिन ऐसा प्रयास करने से पहले आपको अपने शुभचिंतकों की सलाह लेना उचित रहेगा। सप्ताह के उत्तरार्ध में अचानक से लंबी दूरी की यात्रा पर निकलने का योग बन सकता है। यात्रा सुखद और करियर कारोबार में अनुकूल फल प्रदान करने वाली साबित होगी। इस दौरान कोर्ट कचहरी से जुड़े मामले में आपको बड़ी राहत मिल सकती है, विरोधी खुद आपसे समझौते की पहल कर सकते हैं। यदि आप विदेश में करियर बनाने के लिए प्रयासरत हैं तो आपको सप्ताह के अंत तक कोई अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है। इस दौरान इष्ट मित्रों का संबंध सहयोग पूर्ण बना होगा, उनकी सलाह परामर्श से सुलभता तथा जीवन का आनंद प्राप्त होता रहेगा। प्रेम संबंध में आपसी विश्वास और नजदीकियां बढ़ेंगी, लव पार्टनर के साथ अच्छे पल बिताने के अवसर मिल सकते हैं। नवविवाहितों को संतान सुख की प्राप्ति हो सकती है। खास उपाय, प्रतिदिन श्री यंत्र की पूजा एवं श्री सूक्त का पाठ करें। शुभ अंक 5, शुभ रंग सायन। अब जानते हैं मार्च के तीसरे सप्ताह में वृश्चिक राशि के जीवन में क्या कुछ होने वाला है। वृश्चिक राशि के जातकों को इस सप्ताह के प्रारंभ में न सिर्फ कार्य क्षेत्र में बल्कि निजी जीवन में अनचाही दिक्कतों को झेलना पड़ सकता है। इस दौरान आपको आर्थिक दिक्कतें झेलनी पड़ सकती है। अचानक से व्यय भार बढ़ने से मन खिन्न रहेगा। यदि आप राजनीति से जुड़े हैं या फिर कोई संगठन चलाते हैं तो आपको अपनों से ही असहयोग अथवा भितरघात का भय बना रहेगा। इस दौरान आपको किसी भी पेपर को ठीक से पढ़ने के बाद ही हस्ताक्षर करना चाहिए। नौकरी पेशा लोगों को कार्यक्षेत्र में किसी भी ऐसी जिम्मेदारी को लेने चाहिए जो बाद में उनके लिए जी का जंजाल साबित हो। नौकरी पेशा महिलाओं पर इस सप्ताह कामकाज का अतिरिक्त बोझ आ सकता है, जिसके चलते उन्हें घर और कार्यक्षेत्र के बीच तालमेल बिठाने में थोड़ी मुश्किलें आ सकती हैं। यदि आप किसी परीक्षा या प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे हुए हैं तो आपको मनचाही सफलता पाने के लिए आलस्य छोड़कर कठिन परिश्रम करने की आवश्यकता है। सप्ताह के उत्तरार्ध में किसी प्रिय व्यक्ति के आगमन से घर में खुशियों का माहौल बना रहेगा। इस दौरान आपको धार्मिक आध्यात्मिक कार्यों में सहभागिता करने का अवसर प्राप्त हो सकता है। इस सप्ताह वृश्चिक राशि के जातकों को अपने संबंधों को बेहतर बनाए रखने के लिए छोटी मोटी बातों को इग्नोर करना उचित रहेगा। प्रेम संबंध को बेहतर बनाने के लिए लव पार्टनर की भावनाओं को इग्नोर न करें। दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाए रखने के लिए आपसी तालमेल बेहतर बनाए रखें। खास उपाय, प्रतिदिन श्री हनुमान जी की पूजा में बजरंग बाण का पाठ करें। शुभ अंक 6, शुभ रंग ब्राउन। अब जानते हैं मार्च के तीसरे सप्ताह में धनु राशि के जीवन में क्या कुछ होने वाला है।
धनु राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह जीवन में नए अवसरों के द्वार खोलने वाला साबित होगा। सप्ताह की शुरुआत उन लोगों के लिए अत्यंत ही शुभ और सुखद साबित होगी जो लंबे से रोजी रोजगार के लिए प्रयासरत है। सप्ताह के पूर्वार्ध में कायों को समय पर बेहतर तरीके से करने को लेकर उत्साह उमंग तथा पुरुषार्थ शक्ति बनी रहेगी। इस दौरान नौकरी पेशा लोगों की अतिरिक्त आय के नए स्रोत बनेंगे। कार्य क्षेत्र में अनुकूलता रहने पर मन प्रसन्न रहेगा। यदि आप व्यवसाय से जुड़े हुए हैं तो इस सप्ताह आप कारोबार से जुड़ी कोई बड़ी डील कर सकते हैं। व्यवसाय में बढ़ोतरी और मनचाहे लाभ के कारण आपका मन प्रसन्न रहेगा। सप्ताह के मध्य में अचानक से किसी तीर्थ स्थान की यात्रा के योग बनेंगे। इस दौरान आपका मन धार्मिक आध्यात्मिक कार्य में खूब रमेगा। आपके ऊपर गुरु माता पिता एवं वरिष्ठ जनों की विशेष कृपा बनी रहेगी। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। सप्ताह के मध्य में आपको अपने कार्य क्षेत्र में अपनी काबिलियत दिखाने का पूरा मौका मिलेगा जिसका आप अच्छी तरह से लाभ उठाने में कामयाब रहेंगे। लेखन शोध कार्य आदि करने वालों के लिए ये समय अत्यंत ही शुभ रहने वाला है। रिश्ते नाते की दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए पूरी तरह से अनुकूल है। घर परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम और सामंजस्य बना रहेगा। परिवार के सदस्यों के साथ हंसी खुशी पल बिताने के खूब अवसर मिलेंगे। प्रेम संबंध प्रगाढ़ होंगे। खास उपाय प्रतिदिन भगवान श्री विष्णु को पीला चंदन और पीले पुष्प अर्पित करके पूजा करें तथा श्रीहरि की पूजा में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। शुभ अंक 7, शुभ रंग नेवी ब्लू। अब जानते हैं मार्च के तीसरे सप्ताह में मकर राशि के जीवन में क्या कुछ होने वाला है। मकर राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह मनचाहा फल देने वाला साबित होगा। यदि आप बीते लंबे समय से किसी कार्य विशेष में सफलता पाने के लिए प्रयासरत थे तो आपको इस सप्ताह उससे जुड़ी अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है। सोचे हुए काम समय पर पूरे होने के कारण इस पूरे सप्ताह आपका पराक्रम बड़ा चढ़ा रहने वाला है। आपके भीतर सकारात्मक विचार और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। सप्ताह के मध्य का समय व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए अत्यधिक शुभ साबित होगा। इस दौरान आप बाजार में आए तेजी का लाभ उठाने में कामयाब होंगे। आपकी बाजार में साख बढ़ेगी। इस सप्ताह मकर राशि के लोगों को धार्मिक मांगलिक कार्यों में शामिल होने के अवसर प्राप्त होंगे। तीर्थाटन के भी योग बनेंगे। सप्ताह के उत्तरार्ध का समय पारिवारिक सुख की दृष्टि से अनुकूल रहने वाला है। इस दौरान परिवार के सदस्यों के साथ तीज त्योहार से जुड़ी खुशियां मनाने के अवसर प्राप्त होंगे। इस दौरान पुराने इष्ट मित्रों से मेल मुलाकात संभव है। सगे संबंधियों के साथ संबंध मधुर बने रहेंगे और उनका सहयोग प्राप्त होगा। सप्ताह के उत्तरार्ध में मकर राशि के जातकों को मौसमी बीमारी को लेकर सतर्क रहने की आवश्यकता रहेगी। इस दौरान खान पान में सावधानी बरतें और नशे से दूर रहें। प्रेम संबंध में किसी भी प्रकार का उतावलापन या बेवजह का प्रदर्शन आपके लिए जी का जंजाल बन सकता है। आपसी रिश्तों को बेहतर बनाए रखने के लिए वाणी और व्यवहार में विनम्रता बनाए रखें। खास उपाय प्रतिदिन हनुमान जी की गुड़ और चने का भोग लगाकर पूजा करें। शुभ अंक 5, शुभ रंग एक्वा। अब जानते हैं मार्च के तीसरे सप्ताह में कुंभ राशि के जीवन में क्या कुछ होने वाला है। कुंभ राशि के जातकों को इस सप्ताह कार्यों में अत्यधिक परिश्रम और संघर्ष के बाद ही सफलता प्राप्ति के योग बनेंगे। इस सप्ताह कार्य क्षेत्र में आपके विरोधी सक्रिय रहेंगे, लेकिन सुखद पहलू ये है कि किसी भी कठिन परिस्थिति में न सिर्फ सीनियर बल्कि जूनियर सहकर्मी आपके साथ खड़े नजर आएंगे। कुंभ राशि के जातकों को इस सप्ताह धन का लेन देन और खर्च खूब सोच समझ कर करना चाहिए, अन्यथा आर्थिक नुकसान झेलना पड़ सकता है। सप्ताह के मध्य में कुंभ राशि के जातकों को लंबी अथवा छोटी दूरी की यात्रा करनी पड़ सकती है। यात्रा थकान भरी लेकिन बड़े लाभ तथा नए संपर्कों को बढ़ाने वाली साबित होगी। सप्ताह के उत्तरार्ध का समय आपके लिए शुभ साबित होगा। इस दौरान आप सत्ता सरकार से जुड़े किसी प्रभावी व्यक्ति की मदद से किसी बड़ी समस्या से निजात पाने में कामयाब हो सकते हैं। आपकी रुचि आध्यात्मिक कार्यों में बढ़ेगी। इस सप्ताह आपको हड्डी से जुड़े रोग उभर सकते हैं। चोट चपेट लगने की भी आशंका है। ऐसे में सावधानी पूर्वक कार्य करें तथा वाहन चलाते समय नियमों की अनदेखी न करें। कुंभ राशि के जातकों को अपने आत्मीय संबंध मधुर बनाए रखने के लिए स्वजनों का उपहास उड़ाने से बचना चाहिए। इस सप्ताह आप किसी के साथ ऐसी बात या फिर व्यवहार न करें जो आपके रिश्तों में दरार डालने का कारण बने। प्रेम संबंध में पनपी गलतफहमियों का संवाद के जरिए दूर करने का प्रयास करें। खास उपाय प्रतिदिन शिवलिंग पर तांबे के लोटे से जल चढ़ाएं और शिव चालीसा का पाठ करें। शुभ अंक 2, शुभ रंग व्हाइट। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकॉन।
सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकॉन। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकॉन। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकॉन। अब जानते हैं मार्च के तीसरे सप्ताह में मीन राशि के जीवन में क्या कुछ होने वाला है। मीन राशि के जातकों के लिए सप्ताह का पूर्वार्ध कुछ एक बड़ी परेशानियों को लिए रहने वाला है। इस दौरान मीन राशि के जातकों के विरोधी सक्रिय रहते हुए कामकाज में अड़चन डालने की कोशिश कर सकते हैं। इस दौरान लोगों की छोटी मोटी बातों को तूल न दें और दूसरों के मामले में बेवजह की दखलंदाजी करने से बचें। सप्ताह के पूर्वार्ध में किसी बात को लेकर मन में एक भय अथवा चिंता बनी रहेगी। इस दौरान बेवजह के खर्च के कारण आर्थिक चिंता भी सताएगी। कारोबार की दृष्टि से सप्ताह के पूर्वार्ध के मुकाबले उत्तरार्ध का समय ज्यादा शुभता ले रहने वाला है। मीन राशि के जातकों को कार्य सिद्धि के लिए दूसरों से झूठ और धोखे का सहारा लेने से बचना चाहिए, अन्यथा पोल खुलने पर अपमानित होना पड़ सकता है। इस सप्ताह किसी के साथ भूलकर भी कोई ऐसा वादा न करें जिसे पूरा करने में आपको परेशानी का अनुभव करना पड़े। नौकरी पेशा वर्ग किसी भी तरह की परेशानी से बचने के लिए अपने अधिकारियों से उचित दूरी बनाए रखें, अन्यथा कार्य क्षेत्र में आपको अपने विरुद्ध निर्णय होने से हानि का सामना करना पड़ सकता है। रिश्ते नाते की दृष्टि से यह सप्ताह थोड़ा प्रतिकूल रहने वाला है। भाई बहनों के किसी बात को लेकर मनमुटाव की स्थिति पैदा हो सकती है। प्रेम संबंध में भी किसी तीसरे व्यक्ति की एंट्री होने से आपसी रिश्ते में दरार पड़ सकती है। संतान पक्ष से असहयोग और उससे जुड़ी कोई बड़ी समस्या आपकी चिंता का बड़ा कारण बन सकती है। खास उपाय, प्रतिदिन भगवान श्री विष्णु की पीले चंदन का तिलक लगाकर पूजा करें तथा नारायण कवच का पाठ करें। शुभ अंक 3, शुभ रंग ब्लैक। दोस्तों, अगले सप्ताह का राशिफल जानने के लिए मेरे YouTube चैनल ज्योतिष वाणी को आज ही सब्सक्राइब करें और स्क्रीन पर दिखाई दे रहे बेल आइकॉन को अवश्य क्लिक कर दें, जिससे आपको मेरी आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय माता की।